हेलो गाइज, यू आर गोइंग टू लर्न फॉर फॉरएवर। लर्न फॉर फॉरएवर वेलकम्स यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की अपने पास 19th वर्कशीट आ चुकी है, 27th जुलाई है। शुरू करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे ज़रूर, और क्लास टीचर का नाम साफ नीट एंड क्लीन लिखें, गोल गोल लिखें, जिससे कि अच्छे से दिखाई दे। शुरू करते हैं। माई ग्रैंड फादर डेली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। और देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, यहाँ पे ये कैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिएगा बच्चों, एक्चुअली होते क्या है, जब हम इस तरीके से बात करते हैं, ये मैं हूँ फर्स्ट पर्सन और अपनी बात रख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली किसी से रख रहा हूँ वो हो जाता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मेरे दादाजी ग्रैंड फादर, तो वो हो गए थर्ड पर्सन। और हम जब भी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन है ना, तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगी उसमें ES या फिर ES लगता है। S कब लगेगा? जब नॉर्मल वर्ड होंगे तो S लगेगा, और जब वॉवेल्स होंगी A, E, I, O, U तो ये वर्ड के लास्ट में जब ये शब्द आएंगे तो उनके साथ ES जुड़ जाएगा। अदरवाइज अगर इसके बगैर होंगे तो S जुड़ेगा। तो ये होता है जब हम किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जनरली। आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म गो वेंट, और थर्ड फॉर्म गो वेंट एंड गॉन, है ना। ये थर्ड फॉर्म हो गई, गो पहली हो जाती है, गो वेंट और गॉन, ये थर्ड फॉर्म हो जाती है। चौथी फॉर्म होती है जीरंड फॉर्म, जिसमें लगता है आईएनजी, जैसे गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और एक फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें लगता है एस, एस या फिर ES। तो ये आप फिफ्थ फॉर्म ये इस तरीके से आप समझ चुक सकते हैं। चलिए फिर सेंटेंस पे चलते हैं, पैराग्राफ पे। लेट्स बिगिन। तो देखिए, माय ग्रैंडफादर डेली गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यहाँ पे गोज हो जाएगा, ये आपने समझ लिया इस चीज़ को, यहाँ पे गोज हो जाएगा। गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन अ पार्क सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम आवर होम, हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर है। ही डेली टेक्स, देखिए यहाँ पे टेक्स आ गया, एस लग गया है यहाँ पे, है ना, ही के साथ, ही मतलब दादाजी, थर्ड फॉर्म, ग्रैंड फादर की जगह ही यूज हुआ है। ये ही कौन है? ग्रैंड फादर ही हैं, लेकिन नाउन ग्रैंड फादर हो गए, और ये ही क्या हो गया? प्रोनाउन, नाउन की जगह यूज होने वाला शब्द। तो ही डेली टेक्स अ राउंड ऑफ द वॉकवे विच इज 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड, वो एक इस तरीके से चक्कर लगाते हैं जो 1 किलोमीटर लंबा है और 500 मीटर इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई इतनी 1 किलोमीटर और 500 मीटर चौड़ाई है। देयर आफ्टर, उसके बाद ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे है ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया बच्चों? वो दादाजी और उनके दोस्त, ये बात हो गई प्लुरल की, मतलब दो तीन लोगों की बात हो रही है। तो जब दो तीन लोगों की बात होती है थर्ड पर्सन में, तो वहाँ पे एस या एस नहीं जोड़ा जाता है, वहाँ पे डू ही रहेगा। अगर सिर्फ दादाजी होते, ही ओनली अगर उनकी बात होती तो यहाँ पे डज हो जाता, समझ रहे। तो ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स डू प्राणायाम एंड योगा, योगा में प्राणायाम करते हैं और योगा भी करते हैं। व्हाइल रिटर्निंग होम, जब वो घर को आते हैं वापस, ही रेगुलरली ब्रिंग्स, यहाँ देखिएगा, ही रेगुलरली ब्रिंग्स 1 किलोग्राम ऑफ पपाया, 2 लीटर मिल्क एंड 250 ग्राम ऑफ चीज, ये तीन चीज़ें दादाजी लेकर आते हैं घर को। सो गाइज, लेट्स कंटिन्यू। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्स डेली इन अ पार्क, तो आपने देखा कि वो कवर करते हैं कितना,
एक किलोमीटर ऐसे और 500 मीटर ऐसे, तो टोटल हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, ठीक है, वो कवर करते हैं। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ पपाया एंड चीज पर डे, तो टोटल वेट पपाया का कितना देखा आपने, 1 kg, और चीज़ का 250 ग्राम, देख लीजिएगा एक बार दोबारा से। व्हाट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन यूज्ड इन द अबव डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर अदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स यू नो। अच्छा, तो इसमें जो मेजरमेंट्स के यूनिट है, मतलब हम चीज़ों को कैसे नापते हैं, तो हम चीज़ों को नापते हैं जैसे पपाया को किस में नापा, केजी में। आलू को किस में नापते हैं, केली में। दूध को किस में नापते हैं, लीटर में, समझ रहे हैं, लीटर। और इसको पनीर को किस में नापा हमने, ग्राम में। जब क्वांटिटी केजी से कम हो जाती है तो उसको नापते हैं हम ग्राम्स में, जैसे 250 ग्राम, 500 ग्राम, और जब 1000 ग्राम हो जाता है तो 1 किलो बन जाता है। अदर यूनिट्स जो है मेजरमेंट के, जैसे कि कपड़ा किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। दूरी किस में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, है ना। कोई छोटा सा डिस्टेंस है उसको किस में नापते हैं, इंच में, है ना, फुट में, फीट में, और सेंटीमीटर में, फिर उससे भी छोटा मिलीमीटर में, फिर उससे भी छोटा माइक्रोमीटर्स में। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ है, डज ओनली ग्रैंडपा नीड टू गो फॉर डेली वॉक, क्या सिर्फ ग्रैंडपा दादाजी को ही ज़रूरत है डेली वॉक पे जाने की, ऐसा नहीं है, सभी को मॉर्निंग वॉक पे जाने की ज़रूरत होती है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये रहा ओवरऑल बच्चों पैराग्राफ, इससे संबंधित प्रश्न आप कर पाएंगे अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ, और आगे ही ऐसे पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने पॉसिबल फ्रेंड्स को जिनको आप शेयर कर सकते हैं उनको करने ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और अपनी राइटिंग अच्छी रखें, गोल गोल लिखें, आप फ़ोटो जो खींच कर डालते हैं उसको साफ़ डालें, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें बच्चों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। आई वुड बी मोर हैप्पी एंड प्लीज टू रीड योर नेम्स इन कमेंट्स। तो अभी के लिए थैंक्स गाइज, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें, पर्याप्त टाइम है आपके पास, घर में ही रहें, बाहर घूमने ना जाएं, और अपनी राइटिंग पे ध्यान दें, राइटिंग सुधारें, क्योंकि आपकी राइटिंग बहुत मायने रखती है आपकी तरक्की में, बहुत हद तक मायने रखती है, ठीक है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि बच्चों को उनकी हैंडराइटिंग सुधरवाने में उनका सहयोग करें। तो अभी के लिए थैंक्स, टेक केयर।